स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे द सेंटेंस। आज हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए लेट्स लर्न। पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके हिंदी में बताऊंगी। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि वाक्य जो है, शब्दों का एक समूह होता है जिसका एक अर्थ होता है। बिना अर्थ का कोई सेंटेंस नहीं होता है। यानी कि शब्दों का वह समूह जिसका सही अर्थ हो, वह सेंटेंस कहलाता है। तो नीचे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि ये सही है या नहीं। पहला है दिस बॉय, तो ये क्या है, गलत है। सेकंड, दिस बॉय इज़, ये भी आपका गलत है। थ्री है, दिस बॉय इज़ माई कज़न, ये जो लड़का है मेरा कज़न है, चचेरा भाई है या तहेरा भाई। तो ये जो सेंटेंस है वह सही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ए एंड बी डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि जो पहला वाला सेंटेंस और जो सेकंड वाला बी वाला सेंटेंस है, इसमें जो हमारा है कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, सही अर्थ नहीं निकलता है। तो ये जो हमारा है वह सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि सी वाला मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि जो सी वाला सेंटेंस है इसका आपका बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है। तो ये जो है, तो ये जो हमारा है वो वाक्य है। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं जो हैं, और एंड यानी कि अंत जो है वो हम फुल स्टॉप से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। रोज हैव थ्रॉन, यानी कि जो गुलाब हैं उसमें कांटे होते हैं। नीचे आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी गई है। नेक्स्ट हम और कुछ जानेंगे अलग। देयर आर टू मेन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वे भाग कौन कौन से हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है, जो वाक्य, उसका पहला जो भाग होता है वो होता है संज्ञा शब्द। जिसमें संज्ञा क्या होती है, जहाँ पे किसी व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ वस्तु का नाम हो, वो हमारा नेमिंग वर्ड कहलाते हैं। सेकंड, द सेकंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टॉक अबाउट द नेमिंग वर्ड, और जो दूसरा भाग होता है हमारे वाक्य का, वो संज्ञा के बारे में हमें बताता है कि क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इस जो नीचे दिया गया सेंटेंस वो पढ़िए। द बॉय रन्स फास्ट, जो लड़का है वो तेज दौड़ता है, जो लड़का है वो तेजी से दौड़ रहा है। तो जो देखिए, हम नीचे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इन द अबव सेंटेंस द बॉय इज द नेमिंग वर्ड, तो यहाँ पे द बॉय जो है वो क्या है, संज्ञा, ठीक है, नेमिंग वर्ड है। एंड रन फास्ट, टेक अबाउट, टॉक्स अबाउट द नेमिंग वर्ड, जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले वर्ड के बारे में आपको बता रहा है कि जो लड़का है वो क्या कर रहा है, रन्स फास्ट, जो लड़का है वो तेजी से दौड़ रहा है। ऐसे सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, द गर्ल डांस, जो लड़की है वो डांस कर रही है। देखिए पिक्चर में आप, लड़की जो डांस कर रही है। इन द अबव सेंटेंस द गर्ल इज द नेमिंग वर्ड, जो इसमें द गर्ल है यानी कि जो लड़की है वो नेमिंग वर्ड यानी कि संज्ञा है। एंड डांस टॉक्स अबाउट द नेमिंग वर्ड, और जो डांस है वो ये बता रहा है, नेमिंग वर्ड यानी कि संज्ञा के बारे में बताया, लड़की के बारे में बता रहा है कि जो लड़की है वो क्या कर रही है, डांस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा द सेंटेंस चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसमें से सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है और सेंटेंस क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस है वो कैसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है,
जो सेंटेंस के जो दो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है। थैंक यू।